चुनाव से बिल्कुल अलग था, मगर आज केजरीवाल थोड़े बदले बदले नजर आए। वो अचानक प्रधानमंत्री की बात क्यों करने लग गए? दिल्ली के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कहा और वो बात क्यों कही, इस रिपोर्ट से समझते हैं। प्रधानमंत्री जी केजरीवाल को बार बार मोदी मोदी प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री क्यों कहना पड़ा, मोदी से आशीर्वाद क्यों मांगना पड़ा? प्रधानमंत्री जी से भी दिल्ली को ठीक करने के लिए आशीर्वाद चाहता हूँ। चुनाव जीतने के बाद भी केजरीवाल का अनुमान कैसे गलत हो गया? सर्वे के मुताबिक लिख के दे देते। केजरीवाल तो जगह जगह लिख कर दे रहे थे, 230 का टेप बजा रहे थे, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कभी चुनावी मंच पर 230 सीट वाला डायलॉग ही रिपीट कर रहे थे। इस बार बीजेपी की 20 से कम सीट आएंगे, कहो तो मैं लिख के दे देता हूँ, देख लेना 7 तारीख को नतीजे आएंगे। मुझे लगता है 230 से ज्यादा आनी चाहिए, बीजेपी की 20 से कम आएंगी। एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, कितनी सीट आएगी? 200+। 200 जे मंजूर नहीं है जी, कितनी सीट आएगी भाई साहब? 250। 230 चाहिए। 230 आएगी। 250 सर, 250 सीटें आएंगी। 240 250 सीटें। आप लोगों ने 70 में से 67 सीट गई थी, अब मेरे को उसी का टेस्ट आ गया, 70 में से 67, उससे कम नहीं चलेगा। तो 250 में से 230 सीट चाहिए। मैंने जैसे पहले भी कहा था, 230 क्रॉस करना चाहिए मेरे हिसाब से, 250 में से 230 क्रॉस करना चाहिए, बीजेपी की 20 से कम आनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। सोते जागते उठते बैठते केजरीवाल फुल कॉन्फिडेंस में 230 की रट लगाया करते थे, बीजेपी को 20 से कम वाली स्क्रिप्ट पढ़ा करते थे, लेकिन वो टारगेट से 96 सीट पीछे कैसे रह गए? बीजेपी ने 20 नहीं एक्स्ट्रा 84 सीटें जीतकर अपनी टैली 104 तक कैसे पहुंचा दी? आम आदमी पार्टी 134 पर कैसे रुक गई? केजरीवाल ने खुद को ओवर एस्टिमेट किया या ओवर कॉन्फिडेंस उन्हें ले डूबा? इनकलाब 2020 विधानसभा चुनाव में 70 में से 62 के साथ करीब करीब 80% का स्ट्राइक रेट, 2015 के चुनाव में 70 में से 67 यानी करीब करीब 90% का स्ट्राइक रेट। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि इस बार एमसीडी के चुनाव में केजरीवाल बमुश्किल से 54% का स्ट्राइक रेट अचीव कर पाए? एमसीडी चुनावों के नतीजों में आम आदमी पार्टी का वोट परसेंटेज भी डाउन हो गया, तो क्या इसी के साथ केजरीवाल का नेशनल एम्बिशन वाला सपना टूट गया? ये बहुत ही गलत है, मैं पिछले 30 मिनट से ट्रेडिंग कर रहा हूँ पर मुझे अभी तक कुछ नहीं मिला। नमस्ते सर। दिल्ली के छोटे चुनाव का सार यही है कि केजरीवाल के लिए 24 में फिलहाल कोई चांस नहीं है। दिल्ली एमसीडी में 15 साल बाद भी बीजेपी 100 के पार, क्या गुजरात हिमाचल में भी आ रही है मोदी की सरकार? दिल्ली एमसीडी चुनाव में 134 सीटों पर झाड़ू चला, 104 सीटों पर कमल खिला, 9 सीटों पर पंजा दिखा, 3 निर्दलीय के पास गई, यानी कांग्रेस की हालत नंबर 3 की हो गई है, वो अब न 3 में दिख रही है न 13 में दिख रही है। एक लाइन में कही तो दिल्ली में टक्कर सीधे सीधे बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी की ही रह गई है। चुनावी मैदान से लेकर सोशल मीडिया तक इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच खुलकर फाइट हो रही है, लेकिन दिल्ली एमसीडी चुनाव के नतीजों के बाद केजरीवाल जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं सच्चाई वही है या पर्दे के पीछे कुछ और ही कहानी है? सच्चाई यह है कि मोदी की लहर तो है, दिल्ली में भी असर है, गुजरात हिमाचल को भी खबर है। एमसीडी का चुनाव जीत कर भी अगर आम आदमी पार्टी वाले मोदी मोदी कर रहे हैं तो इसकी कुछ तो वजह है। केजरीवाल के सांसद अगर अभी भी मोदी अमित शाह नड्डा का ही नाम फिट कर रहे हैं तो मतलब
दिल्ली बीजेपी ने कुछ तो अचीव किया है। हर ट्वीट में मोदी और केजरीवाल, वही कट्टर ईमानदार वाला सियासी प्रचार। ये बात सही है कि आम आदमी पार्टी ने 15 सालों के बाद एमसीडी में बीजेपी के किले में सेंध लगाई है, जीत पाई है, मगर क्या इसे जीत कहा जाएगा या कॉन्सोलेशन प्राइज? और क्या गुजरात में केजरीवाल की पार्टी को मिलने वाला है हार और झटके का बहुत बड़ा सरप्राइज? I love you too. केजरीवाल मंच पर खड़े मुस्कुरा रहे हैं, मगर बहुत कुछ ऐसा है जो छिपा रहे हैं। 134 सीट जीतने के बावजूद आम आदमी पार्टी पीछे लुढ़की है। बीजेपी अभी भी मजबूती से खड़ी है, मोदी ने ही फुल स्पीड पकड़ी है। यह मोदी के फेवर में प्रो इनकम्बेंसी फैक्टर है। एमसीडी में 15 साल की सत्ता के बावजूद, आपकी जीत के बावजूद लहर तो मोदी की ही दिखी। गुजरात में 27 साल बाद भी बीजेपी की वापसी के संकेत हैं। हिमाचल में पहली बार ऐसी सरकार दिख रही है जो लगातार दूसरी बार वापस आ रही है। ऐसा क्यों है, इसे पॉइंट बाय पॉइंट डिकोड करते हैं। दिल्ली के मुस्लिम इलाकों में क्या हुआ, कौन जीता कौन हारा? मनीष सिसोदिया जिस कट्टर ईमानदारी की बात कर रहे हैं, उनकी विधानसभा सीट पर शराब घोटाले के आरोपों का कितना असर हुआ? तिहाड़ में मसाज कराने वाले, ड्राई फ्रूट खाने वाले सत्येंद्र जैन की विधानसभा सीट पर वोटर्स ने भविष्य के लिए कौन सा संकेत दिया? एक एक करके आपको सारे सवालों का जवाब देते हैं। आम आदमी पार्टी एमसीडी में जीत का जश्न तो खूब मना रही है, मगर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको नहीं बता रही, और वो फैक्टर ये है कि आम आदमी पार्टी को एमसीडी में 42% के आसपास ही वोट मिले हैं, जबकि उसे विधानसभा चुनाव में 53% वोट मिले थे। ऐसे में सवाल उठता है कि केजरीवाल के करीब 11% मतदाता किधर खिसक गए? इस बार दिल्ली नगर निगम चुनावों में आम आदमी पार्टी को 42.05%, बीजेपी को 39.09%, जबकि कांग्रेस को 11.68% वोट मिले हैं। 2020 में हुए विधानसभा चुनावों की बात करें तो उस वक्त आपको 53.57% वोट मिले थे, बीजेपी को 38.51%, जबकि कांग्रेस को 4.26% वोट मिले थे। ऐसे में अगर देखें तो बीजेपी को एमसीडी चुनाव में भी करीब करीब उतने वोट मिल गए जितने उसे विधानसभा चुनाव में मिले थे। यानी एमसीडी में केजरीवाल के कॉर्पोरेटर तो बढ़ गए लेकिन वोट घट गए, और ये नुकसान अच्छा खासा हुआ है। जबकि दूसरी तरफ बीजेपी इकलौती ऐसी पार्टी है जिसका वोट शेयर 15 साल के बाद भी हर चुनाव में बढ़ता गया है। 2015 में बीजेपी 32.3% पर थी, 2020 आते आते 38.51 पर पहुंच गई। इसी दौरान आम आदमी पार्टी 54.3% से 53.57% पर खिसक गई, जबकि कांग्रेस 9.7% से 4.26% पर लुढ़क गई। इसी पैमाने पर 14 में बीजेपी 46.4% वोट से 19 में 56.9% पर आ गई, आम आदमी पार्टी 32.9% से 18.2% पर खिसक गई, और कांग्रेस 15% से 22.6% पर अपना वोट शेयर ले गई। मतलब साफ है कि एमसीडी चुनावों में आम आदमी पार्टी ने भले ही सीटों के मामले में बीजेपी को पछाड़ दिया हो, लेकिन मतदाताओं के समर्थन के मामले में उसे अच्छा खासा झटका लगा है, क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाकों और झुग्गी बस्तियों में भी आम आदमी पार्टी के कई उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुस्लिम और गरीब दोनों तबकों में से कुछ वोट केजरीवाल से छटक गए हैं। यानी हिंदू वोटर तो गया ही गया, मुसलमान वोटरों वाली सीट भी केजरीवाल के हाथ से निकल गई। रही सही कसर तिहाड़ कांड और शराब घोटाले ने पूरी कर दी है। मनीष सिसोदिया के विधानसभा क्षेत्र पड़परगंज में 4 में से 3 सीट पर आम आदमी पार्टी हार गई। तिहाड़ में मसाज कराने वाले सत्येंद्र जैन के इलाके शकुर बस्ती में आपका सूपड़ा साफ हो गया। पूरी दिल्ली में ये आम आदमी पार्टी के खत्म होने का समय अब शुरू हो गया है। आज जो इनके 2 भ्रष्टाचारी मंत्री थे, सत्येंद्र जैन के यहाँ की 3 सीटें भाजपा ने जीती हैं, मनीष सिसोदिया की 4 में से 3 सीटें भाजपा ने जीती हैं।
केजरीवाल बोल रहे थे 220 सीटें आएंगी, 220 सीटें आएंगी। केजरीवाल जी का दिल्ली से अब कोई कनेक्शन नहीं रह गया है। दिल्ली की जनता उनके झूठ को पहचान चुकी है, उनके भ्रष्टाचार को पहचान चुकी है। और अब आने वाले विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की सत्ता को जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। I don't know who needs to hear this, but it's not that tough to get a high-paying job in a top company. कई अहम सीटों पर हार और वोट शेयर में गिरावट। आप